हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं इजली के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो एसएससी एमटीएस का जो बैच चल रहा है रुद्र बैच, आज उसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की। यहां पे हम दोस्तों पेपर को काटना सीखेंगे और उसको फोल्ड करना सीखेंगे, मतलब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब आपको क्या किया जाएगा, एक पेपर दे दी जाएगी, पेपर शीट दे दी जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई होगी कि आपको पहले पेपर को इस तरह से मोड़ना है, फिर उसके बाद में उसको मतलब पहले आधा फोल्ड करना है, फिर उसका 1/4 करना है, फिर उसको पेपर को कट करना होता है। ठीक है, पेपर कट करने के बाद उसको जिस पैटर्न में हमने फोल्ड किया उसी पैटर्न में उसको खोलना होता है। ठीक है, फिर उसमें जो इमेज बनेगी उसको हमें बताना होगा कि हमें आंसर फिगर में इमेज दे दी गई होगी। ठीक है, हमें पता करना होगा कि किस तरह से उसकी, जब पेपर को फोल्ड अनफोल्ड करते हैं, पेपर फोल्ड करने के बाद उसको कट करते हैं, फिर देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको अनफोल्ड करते हैं, तो उसमें किस तरह की इमेज बननी होती है वो हमें पता करना होता है। वो आंसर फिगर में देती है, हमें उसको टिक करके उसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है। फिर हम बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है सब कुछ, और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि और लोग भी जुड़ सके। ठीक है, सभी ने होली अच्छे से मनाई ली होगी, सभी ने रंग वंग लगाए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे और मुझे कमेंट करके बता देंगे क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है। चले तो सेशन की शुरुआत करेंगे। कुछ हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे पेपर को फोल्ड किया जाता है और कैसे अनफोल्ड किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो इसकी डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपियर व्हेन अनफोल्डेड। क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और पंच किया गया है, यानी एक कागज का टुकड़ा लिया गया, उसको क्या किया, मोड़ा गया और देन उसके बाद में पंच किया गया या फिर काटा गया। ठीक है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा यह आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन फिगर है, इसमें क्या है, आपको एक पेपर शीट दी गई, देन उसको बाद में क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया गया, इस तरीके से इसको फोल्ड किया, देन उसके बाद में भी इसको दोबारा से फोल्ड कर दिया गया, फिर यहां पे इसको ये वाला जो पार्ट बचा, ये वाला जो हिस्सा बचा, इसमें ये वाला आपको पंच किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है जब इसको अनफोल्ड करेंगे पेपर को तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। ठीक है, तो सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि पेपर को जब फोल्ड करते हैं देन उसके बाद में उसको कट करते हैं या पंच करते हैं और अनफोल्ड करने पर किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। फटाफट सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट बिना किसी देरी के। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। देखो ये आप इमेज से भी आप देख के, जो ऑप्शन है उससे भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको अनफोल्ड कर। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि मेन जो इसमें जो टॉपिक पॉइंट है कि ये है कि जब भी पेपर को फोल्ड या कट करने के बाद अनफोल्ड किया जाता है तो जहां से उसकी कट किया है उसकी क्या बनेगी, हमेशा मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, जब भी पेपर को कट किया जाता है और देन उसके बाद में अनफोल्ड किया जाता है तो जो भी अनफोल्ड करते जाएंगे उसकी मिरर इमेज बनती जाएगी। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट खोला तो मिरर इमेज बन गई, अगर अप डाउन में खोला तो उसको वाटर इमेज में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम उसको पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो उसकी, अगर लेफ्ट राइट में ओपन करेंगे तो उसको मिरर इमेज बनेगी और अप डाउन में करेंगे तो उसकी वाटर इमेज बनेगी। चलिए फटाफट आंसर कीजिए जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो यहाँ पे क्या किया है, चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या, एक पेपर शीट है हमारे पास में। ठीक है भाई साहब, इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या थी, पेपर शीट थी ये वाली, देन उसको अनफोल्ड किया, इससे सॉरी फोल्ड किया इस तरह से, तो हमारे पास में क्या बच निकल के आ गई, ये इस तरह की एक शीट निकल के आ गई। ठीक है, देन उसके बाद में भी इस शीट को क्या कर दिया भाई साहब, मोड़ दिया गया, तो हमारे पास किस प्रकार का शीट निकल के आ गई, ये वाली शीट बन के आ गई। ठीक है, इस तरह की शीट बनी। अब इसमें क्या किया, एक पंच कर दिया, स्क्वायर टाइप का एक यहाँ पे पंच कर दिया गया। ठीक है, अब पंच करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो भाई साहब देखो, ओपन करेंगे ये यहां था, इस तरह से थी। अब इसमें भी एक स्क्वायर बनेगा, बट ये किस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से बनेगा, इसमें तिरछा, इसमें स्क्वायर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। क्यों बनेगा, देखो अब इसका रीजन मैं बता देता हूं। यहां पर यह था, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो कॉर्नर है वो कहां आएगा, यहां पर आएगा ये वाला कॉर्नर।
ठीक है, ये वाला जो कॉर्नर है वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो यहां पे अगर हम इमेज को देखें तो यहां पे देखो पांच तो पॉइंट बनेंगे नहीं, तो ये तो गलत हो गया भाई साहब, क्योंकि बीच में हमारे पास कोई कट लगाया नहीं, यहां पे हमने कट नहीं लगाया, हमने लगाया ओनली यहां पे जो इसका एक पार्ट था इसमें कट लगाया। तो हमारे पास सिंपल सा है, देखो एक बॉक्स तो यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, यानी टोटल स्क्वायर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, चार बनेंगे, ये तो आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, तो जिसमें पांच है वो तो गलत हो गया, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इसको हटा दिया। उसके बाद देखेंगे हम ऑप्शन बी को, बी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चार स्क्वायर बने, चार स्क्वायर बने, बट यहां देखेंगे इसका कॉर्नर है, जब इसको कट करेंगे क्योंकि इसको हमने तिरछा किया है, मतलब इसका इस तरह से हमने कट किया, अगर इसको आधा कट करते, इस प्रकार से फोल्ड करते, तो हमारा ये वाला इमेज बन के आ जाती, जबकि हमने इसको किस प्रकार से फोल्ड किया है, इस प्रकार से फोल्ड किया है। ठीक है, तो इसका जो कॉर्नर है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो कॉर्नर यहाँ जाने के बाद में इसकी जो इमेज बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, जो मैंने सर्कल में आपको जो इमेज बनाई है, मैंने बॉक्स बनाया है, वो इस तरह से इसका जो यहाँ पे जो कॉर्नर पे जाएगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, सेम एज इट इज बन रहा है, तो ये इस प्रकार से गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो भाई साहब ऑप्शन सी में देखेंगे एज इट इज यहाँ पे बिल्कुल एज, और जो दूसरा जो बनाया साइड वाला सेम एज इट इज, जो हमने यहाँ पे फिगर बनाई है बोर्ड पे, वो इस तरह से निकल के आ रही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर फिगर बनेगा ये बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट, क्योंकि देखो अप डाउन का तो सेम बनेगा, और जो ये वाले थे लेफ्ट राइट वाले वो दोनों तिरछे बनेंगे, क्योंकि इसका कॉर्नर है वो इस साइड में जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो कौन सा बना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, और ये फोर्थ तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इस प्रकार से कोई इमेज है नहीं, आप बताओ स्क्वायर बना है, तो ये इस तरह से गलत हो गया। जो करेक्ट इमेज है, करेक्ट आंसर है, वो कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, एक बार सभी लोग मुझे थम्स अप कर देंगे, फिर बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए, उम्मीद है आपको क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो डायरेक्शन सेम है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंचेज एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपियर वेन अनफोल्डेड। यानी ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा गया और पंच किया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो फटाफट सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि जब इसको अनफोल्ड किया जाता है तो किस प्रकार की इमेज निकल के आती है। तो सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं फटाफट सभी लोग आंसर कर दीजिए कि पेपर हमारे पास में क्या, एक राउंड सीट है भाई साहब, राउंड सीट है, देन उसको फोल्ड किया जाता है और फिर उसको कट किया जाता है। तो आपको बताना है जब कट करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। आंसर कीजिए सभी लोग। जब हम पेपर को कट करेंगे हमारे पास में क्या है, एक राउंड शीट है, और उसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने पर देखो फोल्ड किया, इसको आधा फोल्ड किया, देन उसका भी क्या कर दिया, वन फोर्थ पार्ट हमने इसको रख दिया गया। ठीक है, फिर हमने उसमें तीन पंच किए, अब इसको खोलने पर किस प्रकार की दिखाई देगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख के भी इसमें टिक कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इसमें हमने कट कितने लगाए, तीन कट लगाए। ठीक है, तो जिसमें चार होंगे वो तो निकलेगा ही नहीं, आंसर बनेगा नहीं। अब देखिएगा चार तो इसमें किसी में क्या रहे नहीं। चलिए आंसर कीजिए। अब देखो हम कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने लाइव कट करके दिखाएंगे। ये देखो हमारे पास में क्या है भाई साहब, एक राउंड शीट है, दिख रहा है, एक पेपर, गोल पेपर है ना एक। ठीक है, तो इस गोल पेपर को क्या किया भाई साहब, देखो आधा किया हमने, इसको क्या कर लेते हैं, आधा फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने आधा फोल्ड कर लिया सेम। अब उसके बाद में देखो ये वाला पार्ट आ गया, अब इसको इस प्रकार से हमने फोल्ड कर दिया। देखो यहाँ पे ये था पहले, देखो ये राउंड शीट थी, ये हमारे पास में राउंड शीट थी, देन उसको क्या किया, आधा फोल्ड कर लिया। उसके बाद में इसका वन फोर्थ पार्ट रख दिया, यही सेम एज इट इज पार्ट निकल के आ रहा है, यही तो पार्ट बन गया है हमारा, कौन सा पार्ट, ये वाला बना, सॉरी देखो, हाँ ये वाला पार्ट हमने ये वाला बना। ठीक है, सेम एज इट इज है हमारे पास में, एज इट इज है ना। अब इसको क्या किया भाई साहब, इन्होंने कट किया है किस प्रकार से, देखो ये वाला कट लगाया दो, पहले तो यहाँ कॉर्नर से कट लगाया हमने, ये कॉर्नर वाला कट यहाँ पे हमने लगा दिया।
ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, ये दिख रहा है ना, हमने देखो कट लगा दिया ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद में ये दो कट हमें और लगाने साइड से, तो भाई साहब साइड से कट लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाएंगे, इसमें देखो ये हमने साइड से कट लगा दिए, ठीक है, ये इसके पास, और दूसरा इस साइड से भी हमने ये कट लगा दिए। अब आप देखो, देखो ये हमारी क्या थी, सीट थी, ये वाली सीट थी लास्ट में, ये बचा, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, ये वाला कॉर्नर पे कट लगाया जो ये लगा हुआ है। देन उसके बाद में ये दो नीचे के इसके में लाइन में ये हमने कट लगा दिया, और दूसरा ऊपर वाले लाइन में ये हमने कट लगा दिया। अब इसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे इस वाले सीट को, देखो ये हमारे पास सीट थी ना, अब इसको अनफोल्ड करेंगे, तो अनफोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब ये इसको ये किया, ठीक है, देन उसके बाद में ये किया। अब इसको देखो अनफोल्ड करने के बाद में किस प्रकार की इमेज निकल के आ रही है, अगर यहाँ पे आप मैच करोगे तो देखो कैसी निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा इसको इस तरह से घुमाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो देखो इमेज निकल के आ रही है, थोड़ा कट करने में ऐसे, तो यहाँ पे देखेंगे तो पांचों इमेज इस प्रकार की निकल के आ रही है ऑप्शन ए के जैसी। स्क्वायर तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है शेप तो ये गलत हो गया, और बीच में स्क्वायर कहीं बन नहीं रहा, ठीक है, बीच में स्क्वायर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे पेंटागन टाइप की इमेज बनी हुई है। किस प्रकार की बनी है, सॉरी हेक्सागन की एक शेप बनी हुई, देखो इस प्रकार की एक इमेज बनी है, ये सर्कल नहीं है, ये हेक्सागन है, ठीक है, जबकि हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो इस प्रकार की इमेज निकल के आ रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए के जैसा। देखो आपको कटिंग करने पर आपको भी दिख रहा होगा सेम एज इट इज यहाँ पे बन रही है, बस थोड़ा कट करने में यहाँ पे थोड़ा कम ज्यादा हो गया, तो सेम ऑप्शन ए के जैसी इसकी इमेज निकल के आ रही है। क्या आपको क्लियर है ये, ठीक है, लाइव एग्जांपल आपको दिखा दिया पेपर कट करके, तो क्या उम्मीद है सभी को क्लियर होगा ये। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सभी गलत हो गए। ये गलत क्यों हुआ, ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये हेक्सागन टाइप की इसमें शेप बनी है, ये सर्कल नहीं है ना, ये इस प्रकार की कोई इमेज है, ठीक है, ये इस प्रकार की इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। अब देखो ए सीट यहाँ पे भी सेम किया गया, ए सीट हैज बीन फोल्डेड इन द मैनर एज शोन एक्स वाई जेड, यानी एक सीट लिया जिसको एक्स वाई जेड के पैटर्न में यहाँ पे फोल्ड किया गया, ठीक है। अब आपको यू हैव फोल्ड किया गया, देन पंच किया गया, फोल्ड करने के बाद क्या किया, पंच किया गया। यू हैव टू चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव हाउ इट विल बी लुक वेन अनफोल्डेड, यानी जब इसको अनफोल्ड किया जाता है तो एक किस प्रकार की दिखाई देती है, ठीक है। किया क्या है, एक पेपर सीट लिए गए, फिर उसको एक्स वाई जेड में जो इमेज दिखाई गई उस पैटर्न पे इसको क्या किया, फोल्ड किया गया। अब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार, जब अनफोल्ड वो सॉरी फोल्ड करने के बाद इसको क्या किया गया, पंच किया गया, यानी कट लगाया गया इसमें। देन इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, ये आपको बताना है। तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर कर दीजिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे यहां पे, जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब देखो डायरेक्ट देख लो, इसमें क्या था, पेपर सीट लिया, ये एक पेपर सीट थी, ठीक है, ये पेपर सीट थी। अब इसको क्या किया गया, दो जगह से यहां से फोल्ड कर दिया गया, दो जगह से फोल्ड करने के बाद में क्या बचा, ये वाला ही तो पार्ट बचा इसका, मिड वाला है ये वाला, इसको भी इधर फोल्ड कर दिया, यानी ये वाला पार्ट था इसको भी इसमें फोल्ड कर दिया, और इसको भी इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया। जैसे मैं आपको एक पेपर लेके दिखा देता हूँ, देखो एक सेकेंड, ये हमारे पास में क्या है, कोई पेपर है, उसको क्या किया, तीन हिस्सों में इसने बांट दिया। तो तीन हिस्सों में कैसे, इसको पहले क्या किया, आधा इसको वन इसका वन थर्ड किया, और इसको भी इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है, यही फोल्ड किया गया इसमें, ठीक है। अब आपको देखो इसको क्या किया, देन उसके बाद में भी ये फोल्ड करने के बाद इसको भी इस प्रकार से एक बार फिर से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है, सेकंड में, वाई में, एक्स में क्या किया, इसका तीन फोल्ड किया, देन वाई में क्या किया, इसको सेकंड इसका भी आधा कर दिया। अब इसमें जेड में जो इमेज दिखाई गई उसमें क्या किया, एक कट लगा, यहाँ पे कट लगा, एक ट्राइंगल शेप बनाई। अब आपको बताना है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, तो फटाफट आंसर कीजिए जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं।
सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी लाइव हम देख लेते हैं। तो देखो लाइव देखने के लिए, अब ये हमारे पास पेपर था, मैंने आपको बताया था ये पेपर था, देखो चेक कर लीजिए एक बार, ये पूरा ही क्या है, स्क्वायर फॉर्म में एक पेपर है, ठीक है। ये एक पेपर है हमारी, इस पेपर शीट, इसको क्या किया भाई साहब हमने, इसके तीन फोल्ड किया, एक ऊपर वाला फोल्ड किया और एक ये वाला फोल्ड कर दिया। ये फिर हम आगे भाई साहब वाई इमेज में, तो वाई इमेज गए तो इसको एक बार से फिर फोल्ड कर दिया ये वाला पार्ट। अब देन जेड में जाएंगे तो इसमें क्या किया, एक कट लगाए, ये वाला कट लगाए और एक ये वाला कट, तो हम इसमें कट लगा लेते हैं, ठीक है। तो कट लगाएंगे तो भाई साहब देखो ये कट हमने यहाँ पे एक कट ये मार दिया, ठीक है। ट्राइंगल का अगर कट सही नहीं लगे तो ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि हम यहाँ पे एक डेमो वैसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये वाला कट लगाया, तो यहाँ पे एक कट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड, अगर हम इसमें कट लगाए किस प्रकार से कट लगेगा इसमें, ताकि ये एक सेकंड, यहाँ पे एक हम कट मारते हैं इस प्रकार से, ये हमने ट्राइंगल यहाँ पे बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक कट यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया। देखो सेम एज इट इज हमने यहाँ पे क्या किया, कट लगा लिया, देखो ये वाले फोल्ड किए, देन उसके बाद वाई में आए और देन जेड के अंदर ये देखो आपको कट दिख रहा होगा ना, ये वाला कट लग गया और ये वाला ट्राइंगल शेप हमने यहाँ पे बना ली, आपको दिख रहा है ना क्लियरली, ठीक है। जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो देखो, अनफोल्ड करेंगे तो इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, देखो ये हमने कट किया, देन इसके बाद में क्या किया, तीनों को अनफोल्ड कर दिया गया, ये इस प्रकार की इमेज निकल के आई है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कौन सी इमेज ऐसी है कि जिसमें ये वाली सेम फिगर एज इट इज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार की इमेज, ये तो बनी नहीं रही, गलत हो गया। देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भाई साहब तीन कट है, बिल्कुल एक दो तीन, बिल्कुल सेम एज इट इज है, एक दो तीन है। और यहाँ पे जो ट्राइंगल शेप जो बनी है, ये वाली जो ट्राइंगल शेप बनी है, दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे क्या है, एक दूसरे की तरफ इसकी जो यहाँ पे इसका जो हेड बना हुआ है, इस तरह से कॉर्नर बना हुआ है, ये वाला जो कॉर्नर बना है ये वाला, वो सेम एक दूसरे के तरफ है। तो यहाँ पे भी देखो एक दूसरे की तरफ है ये वाला भी, और एक दूसरे ये दूसरे अपोजिट है एक दूसरे के, तो सेम एज इट इज बन गया और ये इसके अपोजिट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। इसमें क्या गलत है, इसमें जो इसका जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसमें नीचे ना होने की वजह इसमें इसमें क्या है, ऊपर है नहीं। और ये वाला देखो, ये तो कहीं कट निकल ही नहीं आ रहा था, हमारा किस प्रकार से कट निकल के आ रहा था, इस प्रकार से कट निकल के आ रहा था, जबकि यहाँ पे किस प्रकार का कट है, इस प्रकार का कट, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे ये वाला जो ट्रायंगल है, उसका जो कॉर्नर है ऊपर वाला, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ना होके कहाँ हो रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है, सेम एक डायरेक्शन में हो रहे सारे के सारे चारों, सॉरी ये चार ऊपर है और ये भी नीचे वाले छह, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो कौन सा बना, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, यहाँ पे आपको लाइव डेमो भी दिखा दिया कि किस प्रकार से पेपर कट किया जाता है, देन उसको किस प्रकार से अनफोल्ड किया जाता है, तो जिस प्रकार इमेज निकल के आएगी वो इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी जब इस पेपर को हम कट करने के बाद अनफोल्ड करेंगे। क्लियर है सभी को, क्या सभी को क्लियर है, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे जी बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर, इंडिकेट हाउ इट विल अपियर व्हेन ओपन्ड। ये बोल रहा है कि कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है, इंगित कीजिए कि खोलने पर ये किस प्रकार कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके मुझे आंसर करना है कि जब एक पेपर शीट ली जाती है, उसको फोल्ड किया जाता है, देन उसको पंच किया जाता है, फिर उसके बाद में अनफोल्ड किया जाता है, तो किस प्रकार की इमेज निकल के आती है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं बिना किसी देरी के सभी लोग आंसर कीजिए कि इस पेपर को जब अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे, सिंपल सा है, जिस प्रकार से पेपर को फोल्ड किया गया है उसी प्रकार से अनफोल्ड करेंगे, तो आप ऑप्शन फिगर से भी देख के इसका आंसर टिक कर सकते हैं।
चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। अब देखो इसका मैंने बताया ना कि वाटर इमेज और मिरर, अब जैसे इसमें क्या किया ऊपर से फोल्ड किया गया, तो अब इसका अगर आप मिरर इमेज देखेंगे तो कौन सी बनेगी, वाटर इमेज बनेगी। जैसे इसको अनफोल्ड करेंगे तो सेम एज इट इज यहाँ चली जाएगी, यानी बॉटम और टॉप और बॉटम चेंज होगा, बाकी लेफ्ट राइट सेम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ इसको फिर से वो इधर अनफोल्ड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी, यानी लेफ्ट राइट चेंज होंगे, टॉप और बॉटम सेम रहेंगे। तो आपको बताना होगा किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको कई ऑप्शन ऐसे दिख रहे होंगे बिल्कुल सेम सेम, बट आप इसका अगर हिस्सा देखेंगे, देखो यहां पे किस प्रकार का कट लगाया गया, ये हमारा एक इस प्रकार का कट लगाया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है वो सेम बराबर में नहीं है, एक छोटी और एक बड़ी है, इस प्रकार का एक कट लगाया गया है। तो आपको बताना है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार का कट लगा भाई साहब, देखो कट किस प्रकार का है, एक इस प्रकार का कट लगा है। ठीक है, एक इस प्रकार का कट यहाँ पे लगाया गया, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो भाई साहब ऊपर सेम एज इट इज किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, देखो इस प्रकार की एक इमेज निकल के आएगी। ठीक है, ऊपर तो ये आ गई, यानी ये वाला पार्ट दोनों क्या है, ये इसमें डाउन है और इसमें क्या है, अब इसमें तो अप है और इसमें क्या है डाउन है, क्योंकि अप डाउन चेंज हो जाएंगे, और इसमें एज इट इज यहाँ पे सेम बन गया। देन इसको हम ओपन करेंगे, वापिस से इस प्रकार से ओपन करेंगे तो भाई साहब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन से देखेंगे तो देखो ये वाला पार्ट इसमें, देखो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे देखेंगे, एक बड़ा है और एक छोटा हिस्सा है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम तो एक छोटा हिस्सा है, हाँ छोटा हिस्सा तो मान लिया भाई साहब, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, बट ऊपर वाला हिस्सा भी तो ऐसा ही रहेगा ना सेम, नीचे यहाँ पे छोटा आ जाएगा और जबकि यहाँ पे क्या है बड़ा। ठीक है, ये इस प्रकार का इसमें कट है, ये इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, सेम बन रही है ना, हमने एज इट इज बना दी। अब पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी टोटली। अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये हिस्सा बिल्कुल सेम एज इट इज तो मिल रहा है, पर यहाँ पे देख रहे हैं आप ये वाला हिस्सा क्या है, छोटा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन बी में जाएंगे तो देखो यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज बन रहा है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो बट यहाँ पे ये देख रहे हैं ये वाला बड़ा हिस्सा, ये ऊपर वाला बड़ा हिस्सा, ये यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हिस्सा हो गया, गोल बन गया, दोनों सेम हो गए, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखेंगे तो बिल्कुल देखो ये एज इट इज ये वाला बन रहा है, ये वाला पार्ट तो बन रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो एज इट इज यानी बड़ा वाला हिस्सा इधर गया और छोटा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी इधर आएंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोनों अपोजिट ना होने की, देखो यहाँ पे दोनों क्या सेम डायरेक्शन हो गया, यानी ये हिस्सा भी इधर हो गया, तो ये इसलिए गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिस्सा यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं, कोई ये बड़ा है कि छोटा है, ये वाला देखो हिस्सा बड़ा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर है सभी को? तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सभी को क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे बिना किसी देरी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, देखो यहाँ पे भी क्या किया, एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया जैसा कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया, ये कार्ड इसको यहाँ से क्या किया, पहले फोल्ड किया गया, देन उसके बाद में भी इसको ऊपर से एक फोल्ड किया गया, देन उसमें क्या किया, दो पंच लगाए गए, यहाँ पे तीन कट लगाए गए इस प्रकार से। ठीक है, इसमें एक कट लगाए इस प्रकार से और दो, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। अब आपको बताना है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, देखो ये पेपर कैसा था हमारा, इस प्रकार के एक पेपर था, देन उसको फोल्ड किया किस प्रकार से, इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड कर लिया, यानी आधा हमने बना, तो हमारे पास कितना रह गया, आधा हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया।
देन उसको भी भाई साहब इसका जो आधा हिस्सा है इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, तो हमारे पास में कितना बच गया, इसका 1/4 पार्ट हमारे पास में रह गया। ठीक है, ये वाला पार्ट बचा जो ये यहाँ पे। अब इसमें क्या किया, एक कट लगाया किस प्रकार से, एक कट तो इधर लगाया और एक इसमें यहाँ पंच किया गया और दूसरा किया इसके बिल्कुल मिड में। ठीक है, यही कट किया गया। जब इसको हम क्या करेंगे भाई साहब, फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, कट करने के बाद जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। अब देखो यहाँ ऊपर से मोड़ा गया तो इसको क्या ऊपर की तरफ खोलेंगे तो क्या बनेगा, यानी इसका क्या बनेगा भाई साहब, वाटर इमेज बनेगी, यानी अप डाउन चेंज होंगे, बाकी लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज बनेगा। तो भाई साहब इसका हम पूरा बना देते हैं इमेज को, देखो ये वाला कट तो पूरा बनेगा और ये वाला हिस्सा सेम एज इट इज रहेगा, ये वाला भी ये इधर रहेगा, यानी टॉप और अप में चेंज हो गया, अप और डाउन में चेंज हो गया, यहाँ पे टॉप था, यहाँ पे जो डाउन था वो अप हो गया और जो ये वाला था ये इसमें पास में रह गया, यानी टॉप और बॉटम में चेंज हुआ, बाकी कोई चेंजेज नहीं हुआ, लेफ्ट राइट सेम रहा। ठीक है, देन इसको फिर से हम क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, पूरी सीट में करेंगे इसको, तो एक इमेज ये निकल के आ जाएगी भाई साहब। अब इसमें क्या बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो मिरर इमेज बनेगी, जो पास में है जो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो इस प्रकार का बन के आएगा। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आ रही है, तो देखो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो बिंदी है, ये वाला जो पंच है वो कहाँ है, इस कॉर्नर पे है। ठीक है, राइट साइड है, जबकि इसमें कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये गलत हो गया। इसमें देखेंगे बिल्कुल एज इट इज, पर इसके जो नीचे के दो पंच है वो दोनों क्या है, आपस में ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या, एक कॉर्नर पे और एक मिड पे है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पंच है यहाँ पे क्या है, मिड में है, जबकि यहाँ पे इसमें क्या दिखा रखा है, कॉर्नर में दिखा रखा है, और ऊपर वाला मिड में ना होके यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे, जबकि यहाँ पे क्या है, मिड में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगर आंसर आप ऑप्शन 4 देखेंगे तो हमारा बिल्कुल एज इट इज सेम निकल इमेज बन के आ रही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो चारों, ये वाला जो मिड वाला थे बिल्कुल एज इट इज है, ये जो कॉर्नर के हैं इस वाले साइड के, राइट साइड के, बिल्कुल कॉर्नर पे पंच है, और इसमें देखेंगे ये भी मिड पे और ये वाले कॉर्नर पे भी है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा ये देखो, ये वाला जो पंच है वो मिड में होगा। ठीक है, ये थोड़ा मेरे को बनाने में हो गया, नहीं तो बाकी ये कहाँ पे होगा, मिड में होंगे दोनों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4 इज, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। अब फिर से एक पेपर का टुकड़ा लिया गया, यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा को मोड़ा जाता है, फिर काटा गया, जैसे कि प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है, तो आपको बताना है जब इसको कट करने के बाद अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। कि जब पेपर को कट करने के बाद अनफोल्ड किया जाता है तो किस प्रकार की इमेज निकल के आती है। करिए आंसर कीजिए सभी लोग। देखो पेपर को क्या किया गया भाई साहब, आधा किया गया, आधे के बाद में इसका भी 1/4 पार्ट किया गया, ये वाला हिस्सा हमारे पास में बचा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, अब इसमें क्या है, दो सर्कल तो इस प्रकार से कट लगा दिए और दो, एक छोटा ये लगा दिया और एक इस प्रकार में इसका कट लगाया। ठीक है, इस प्रकार का एक कट लगाया, तो आपको बताना है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। चलिए, तो अब इसको देखो क्वेश्चन को, इसमें ऊपर की तरफ यानी ऊपर से नीचे किया था, अब इसका नीचे से ऊपर इसको अनफोल्ड करेंगे, यानी टॉप से बॉटम चला जाएगा। ठीक है, बॉटम से टॉप चला जाएगा, तो भाई साहब जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो देखो जो पास वाला हिस्सा है वो पास में रहेगा और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला भी हिस्सा इधर रहेगा और ये वाला सर्किल इधर, यानी ये बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है सर्किल है। ठीक है, ये वाला पंच ऐसा ही बन रहा है, जब इसको इस साइड में हम ओपन करेंगे तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा, यानी जो पास वाला है वो पास रहेगा, जो दूर वाला है वो दूर चला जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे अगर इमेज देखेंगे तो हम किस प्रकार, देखो उसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि वो मैंने पेन से बनाया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन में, तो देखो ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है तो बिल्कुल एज इट इज, यहाँ पे देखो ये वाला बड़ा हिस्सा है तो बिल्कुल यहाँ पे सेम बन रहा है, ये वाला भी पार्ट बन रहा है और यानी अप डाउन भी यहाँ पे सेम हो रहा है। इसमें देखेंगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ा वाला हिस्सा बन रहा है और ये वाला चौकोर, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ना वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया इसमें, ये वाला जो हिस्सा है वो कहाँ चला गया इसमें, इसमें यहाँ चला गया, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट बिल्कुल एज इट इज है और यहाँ पे अगर इसका अप डाउन करेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, जो सर्कल है वो इस पॉइंट के जस्ट नीचे आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें बात करेंगे तो देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये सर्कल इधर से उधर हो गया तो ये इसलिए गलत हो गया। इसमें करेंगे ऑप्शन डी में बात करेंगे तो ऑप्शन डी एज इट इज यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखो ये वाला पार्ट है वो इसको ऊपर की तरफ अनफोल्ड करेंगे तो सेम एज इट इज है, इसका क्या बन गया भाई साहब, वाटर इमेज बन गया। देन इसको क्या करेंगे, फिर से इसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, तो इसका एक मिरर इमेज निकल के आ गया, यानी ये डार्क पार्ट इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो सेम एज इट इज इसका जब ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक बार मैं इसका पेन का थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि आप कुछ देखो, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सेम एज इट इज है, इसको जब ये हमने चार बॉक्स बनाए थे, ठीक है, इसको जब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो सेम इसका क्या बन जाएगा, वाटर इमेज, और इसको इस तरह से अनफोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, क्या सभी को क्लियर है, सभी लोग एक बार मुझे थम्सअप कर देंगे, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि और लोग भी जुड़ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। अब देखो यहाँ पे क्या, पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एंड शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर, इंडिकेट हाउ इट विल बी अपियर व्हेन अन ओपन्ड, यानी एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया, इंगित कीजिए खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक पेपर शीट ली गई है, अब आपको बताना है किस प्रकार का ये दिखाई देगा जब इसको अनफोल्डेड किया जाएगा कट करने के बाद में। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। देखो टॉप और बॉटम में जाता है तो उसका अगर ऊपर से नीचे में इसको फोल्ड किया गया तो इसका क्या बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगा, अगर लेफ्ट राइट में इसको फोल्ड किया गया तो इसका मिरर इमेज बनेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, अब यहाँ पे क्या किया, वैसे एक पेपर शीट लिया, यानी इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज, इस पेपर को क्या किया, फोल्ड किया गया, देन उसके बाद में कट किया गया। तो कट करने के बाद में हमने कट कहाँ किया, ये वाला हमारे पास में हिस्सा बचा, देन इसमें क्या किया, एक बड़ा सर्कल ये है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, इसमें एक इस प्रकार का कट लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक इसके जस्ट नीचे लगाया, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो भाई साहब ये वाला हिस्सा देखो, अनफोल्ड करेंगे तो क्या अप डाउन में करेंगे, तो देखो ये वाला हिस्सा पास वाला जो पास में रहेगा, ये वाला सर्कल इधर चला गया, ठीक है, और ये वाला इधर दूर चला गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया, ठीक है, इस प्रकार का इमेज निकल गया। फिर इसको दोबारा से अनफोल्ड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, भाई साहब मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है, यानी जो पास वाली चीज है वो पास रहेगी और जो दूर है वो दूर चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला इधर ही रहेगा, देन ये हो जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा और ये इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। ये हमारा इसका जब इसको पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो इस प्रकार की एक इमेज निकल के आएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, देखो ऑप्शन ए को देखते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो बिल्कुल एज इट इज ये वाला पार्ट बन रहा है, बिल्कुल सेम बन रहा है, और ये वाला हिस्सा देखो अप डाउन वाला ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल एज इट इज बन रहा है। और इस पे देखेंगे यहाँ पे पांच पंच हमने कहीं किए ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने कितने पंच किए, दो, तो यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे पंच एक्स्ट्रा आ गया तो इसलिए ये गलत हो गया,
ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक था। बाकी यहाँ पे क्या है, बीच में पंच एक अलग से आ गया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, तो ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बात करें बी की, तो यहाँ पे देखेंगे सेम एज इट इज, ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है और ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला सेम इसका बिल्कुल ये बन गया और इसका ये वाला एज इट इज यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पंच है ये कहीं आ ही नहीं रहा, यहाँ पे जबरदस्ती इसको ऐड किया गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करेंगे हम, डी में गलत क्यों है, क्योंकि डी में भी यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पंच यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो पंच थे वो कितने थे भाई साहब, चार पंच किए गए एक बीच में, तो जबकि यहाँ पे कितने दे रखे, तीन और तीन छह दे रखे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी बनेगा। क्यों बनेगा, देखो ये एजिटीज यहाँ पे इमेज हमने बना के दिखा दी है। क्लियर है सभी को, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे जी बिल्कुल क्लियर है, सभी लोग थम्स अप कर दीजिए ताकि फिर आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले फिर, उम्मीद है सभी को क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर एट, देखो डायरेक्शन सबकी सेम है, पेपर सीट है, उसको पेपर को फोल्ड किया गया, देन कट किया गया, देन उसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भी इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक पेपर राउंड पेपर शीट है। ठीक है, उसको आधा किया गया, देन आधा करने के बाद में भाई साहब क्या किया गया, इसको फिर से आधा किया गया, फिर उसका भी क्या किया भाई साहब, आधा कर दिए गए। अब यहाँ पे देखेंगे एक पार्ट में कितने सर कितने पंच लगाए, दो में। ठीक है, और यहाँ पे क्या पंच, यहाँ पे ये वाला पंच लगाया गया। ठीक है, तो आपको पता करना होगा कि इसमें जब एक पंच यहाँ लगाया गया, ठीक है, अब आपको पता करना है कि अगर इसको जब अनफोल्ड करेंगे, देखो एक पंच यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, यानी दो दो चार, यानी एक जो वन फोर्थ पार्ट है उसमें कितने पंच हैं, चार है, तो इसका अगर पूरा अनफोल्ड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, चार के इसको चार गुना कर लो भाई साहब, तो कितना हो गया, बारह हो गया। ठीक है, चार चौक सोलह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दो इसमें आ जाएंगे, सॉरी दो इसमें आएंगे, इसको इस प्रकार करेंगे ना, यहाँ पे भी करेंगे और दो इसमें आ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने पंच आ जाएंगे भाई साहब, सोलह आ जाएंगे। देखो चार आठ तो ये हो गया, आठ ये हो गए सोलह, और इसमें एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, और एक यहाँ गया, और एक यहाँ गया, इस प्रकार की एक इमेज निकल के आ जाएगी। देखेंगे तो किस इमेज में सोलह पंच है, देखो इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें काउंट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बना है, देखो दो दो चार दो छः दो आठ, तो यहाँ पे भी एजिटीज यहाँ पे एक बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी बनेगा। सी क्यों नहीं बनेगा, देखो सी में एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने कट लगाया नहीं कहीं, तो यहाँ पे सी में एक एक्स्ट्रा कट निकल के आ रहा था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन ए में हमने क्या किया, एक एक इसमें पंच कितने आठ, ठीक है, जबकि हमें कितने चाहिए सोलह चाहिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी बनेगा। देखो यहाँ पे ये वाला क्यों, देखो इसमें ना ये अलग से यहाँ पे कट मारा गया, जबकि हमने क्या एक राउंड शेप है यहाँ पे एक कट लगाया गया है जो कैसा है, बी के जैसा है। ठीक है, ये इस प्रकार का कट है, सॉरी यहाँ पे कट राउंड नहीं है यार, यहाँ पे एक किस प्रकार का है, इसी प्रकार का एक कट लगा है। ठीक है, इस प्रकार का कट है, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी ना बन के ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कट लगाया है इसमें, ये जो लास्ट में कट था इसके जो पीस है ये वाले, इसमें कैसे कट है, इस प्रकार का एक कट है। ठीक है, राउंड कट नहीं है यहाँ पे, हमने यहाँ पे राउंड बना दिया, यहाँ पे किस प्रकार के बनेंगे कट, इस प्रकार के कट बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार के कट बनेंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्या सभी को क्लियर है एक बार सभी को क्लियर है तो एक बार सभी लोग मुझे थम्स अप कर देंगे कि जी बिल्कुल क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। देखो ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का कट लगाया है। ठीक है, ये वाला पार्ट था, सॉरी ये हमारे पास क्या बचा था, इसका पार्ट बचा था, इसको भी क्या किया भाई साहब, आधा फोल्ड किया गया, देन इसमें इस प्रकार का कट लगाया था और दो पंच इस प्रकार, यहाँ पे राउंड नहीं लगाया था हमने, क्या मान लिया था इसको राउंड मान लिया था। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग।
अब यहाँ पे बताया एक कागज के टुकड़े को मोड़ा गया और काटा गया जैसा कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया। तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो फटाफट आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर कीजिए। देखो पहले पेपर शीट थी, उसको क्या किया साइड से इसको फोल्ड किया गया, यानी तीन पार्ट में, इसको तीन पार्ट थे एक पेपर शीट के, तीन पार्ट के उसको फिर एक पार्ट बनाया, ठीक है। फिर उसका क्या किया, उसको अप डाउन में इसको फोल्ड कर दिया गया, देन फिर इसको पंच किया गया। अब आपको बताना है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। तो ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं बिना किसी देरी के। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को देखते आंसर को देखते हम सॉरी ऑप्शन को देख के हमारा आंसर टिक हो जाएगा। देखो ये वाला पेपर शीट था, लास्ट का ही देखते हैं हम, जो लास्ट का हमारे पास में बचा ये वाला पेपर शीट था, इसको क्या किया हमने आधा कर दिया गया, ये वाला पार्ट को आधा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में एक ये पंच किया और एक पार्ट हमने यहाँ पे पंच किया गया, ठीक है। तो ये वाला पंच था, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो भाई साहब एक पंच यहाँ भी तो दिखेगा और ये जो ट्राइंगल शेप है वो किस प्रकार की आ जाएगी, इसके अपोजिट आ जाएगी जस्ट, ठीक है। टॉप बॉटम में हो जाएगा, बॉटम टॉप में हो जाएगा, यानी जो जब इसका अप डाउन में करते हैं तो टॉप बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप बन जाता है, ठीक है। जब इसको एक बार यानी तीन फोल्ड किएगा तो यहाँ पे कट कितने लगेंगे टोटली पता है आपको, तीन कट लगेंगे। तो देखो तीन कट लगेंगे यहाँ पे, एक ये लग जाएगा और एक ये लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला अगर इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा और इसको ये बन जाएगा, इसका देखेंगे तो इसका इस प्रकार की इमेज बन के निकल के आ जाएगी सेम एज इट इज। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला कट है ही नहीं तो इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल तीन कट लगे हुए हैं, ये वाले कट है ना, अब इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी कट करने के बाद तो यही बनेगी ना, यही हमारे पास में इमेज निकल के आएगी, ठीक है। इस प्रकार की तो निकल के आएगी, ये हमने यहाँ पे एज इट इज बना दिया, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो इस प्रकार की इमेज निकल गई। ऑप्शन बी को देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज सेम मैच कर रही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी नहीं का। सी क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही कट लगे जबकि हमको कितने कट लगाए, हमारे पास में तीन कट लगाए गए तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे ओनली एक कट है और ट्राइंगल भी कितने दो ही है, जबकि हमारे पास में कितने चाहिए, हमें छह चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, एक बार सभी लोग मुझे थम्स अप करके बता देंगे जी बिल्कुल क्लियर है, हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है पेपर कागज टुकड़े को मोड़ा गया और काटा गया जैसा कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाया गया है। तो आपको फटाफट जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताना है कि जब इस पेपर को राउंड शीट है उसको जब फोल्ड करने के बाद पंच किया जाता है तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी जब इसको अनफोल्ड करेंगे। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। चलिए आंसर कीजिए कि एक पेपर शीट है, जब उसको फोल्ड किया जाता है देन उसके बाद पंच किया जाता है, जब इसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। देखो ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। पहले ऑप्शन को क्या एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट कर दिया तो तुरंत में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे इसको देखो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन से, इस पेपर शीट है अगर इसको हम यहीं पे बनाए देखो इस प्रकार की एक इमेज बन के आई, क्या इस प्रकार की इमेज निकल के आ रही है, ठीक है। ये वाली पेपर अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो देखो ऐसा ये वाले दो तो पंच मिल गए यहाँ पे, ये वाला भी यहाँ पे मिल गया, लेकिन ये जो मिड वाला है तो एक्स्ट्रा कहीं से जुड़ गया तो इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन किसकी, बी की बात करते हैं। देखो ऑप्शन बी की बात करते हैं तो सेम एज इट इज ये वाला पंच यहाँ पे दो मिल गए और ये वाला जो खड़ा था ये वाली शेप जो बन रही है इसमें एज इट इज यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। देन इसको इस प्रकार से ये वाली जो इमेज है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तो ये भी एज इट इज यहाँ पे बनी हुई है। तो अगर जब इसको अनफोल्ड, ये इतना ही तो पार्ट था इसका, जब इसको अनफोल्ड किया तो ये वाला पार्ट बन गया,
फिर इसको इधर अनफोल्ड करेंगे तो भाई साहब देखो ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा और ये इमेज इधर बन के आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी। और ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी, ये वाली इमेज भी एक इस प्रकार की इमेज निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास में चार ये जो मिड वाली है यानी इसके जो कट है वो इसकी तो इमेज ये बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ये बीच में एक एक्स्ट्रा आ गई तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखेंगे तो सेम एज इट इज मिल रही है यानी दो इसके जो किनार इस साइड से मतलब पहला यानी खड़ी हुई है जबकि यहाँ पे क्या इसकी आड़ी है, ठीक है तो एज इट इज यहाँ पे मिल रही है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखो एकदम ये सारी की सारी क्या है एक जैसी है तो ये इसलिए गलत हो गया। इसमें देखेंगे तो बीच वाली कहीं से एक्स्ट्रा ही ऐड कर दी गई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। देखो यहाँ चारों कट है, इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी दो कट आ जाएंगे और यहाँ पे भी दो कट आ जाएंगे तो सेम एज इट इज बन रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है कैसे हमने ऑप्शन देख के इसका आंसर निकाल के रख दिया, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। सेम है पेपर के टुकड़े को क्या किया, अब यहाँ पे देखो भाई साहब एक पेपर का टुकड़ा लिया गया, अब इसको देखो फोल्ड किया गया, काटा गया, नीचे प्रश्न आकृति जैसे दिखाया गया कि किस प्रकार का इमेज निकल के आएगी यानी इसको फोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज आएगी। चलिए इसमें काटा भी नहीं गया, इसको पेपर को फोल्ड किया गया, ये बताना होगा आपको। जब इसको फोल्ड करेंगे इस पेपर को तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी ये आपको बताना होगा। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। ये एक पेपर शीट है, ठीक है, ये पेपर लिया, इसमें क्या किया हमने कट लगाई, ये हमने कट लगाया। अब आपको बताना कि जब इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन है कट नहीं गया, यहाँ पे कट नहीं गया खाली मोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पे कट नहीं किया गया खाली मोड़ा गया है। तो आपको बताना है जब इसको मोड़ेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। इसका तो आंसर देख के साथ में तो तुरंत में आंसर निकल के आ जाना है, ऐसा ही है, ठीक है। आंसर कीजिए फटाफट सभी लोग, देखते के साथ आंसर निकल के आ जाना चाहिए इसका बिना किसी देरी के, क्योंकि इसमें इतना ईजी है। इसको खाली क्या किया है, मोड़ा गया है, कट नहीं किया गया, इसको ओनली क्या किया गया है, मोड़ा किया गया। यहाँ पे डायरेक्शन कट नहीं आएगा, यहाँ पे खाली इसको मोड़ा किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको देखेंगे तो अगर इसको मोड़ेंगे, ये वाला पेपर है हमारे पास में, ये वाली सीट है, ठीक है, ये वाली हमारे पास में क्या है सीट है। अब इसको इस प्रकार के क्या है, इसमें कट ये वाला है, यही तो है ना इसमें। अगर ये वाला पार्ट है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो भाई साहब किधर आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर चल जाएगा। अरे ऑप्शन देख ए को देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे मैच कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। बी क्यों नहीं बनेगा, बी में देखो ये वाली इस प्रकार की इमेज निकल के, जब इसको मोड़ेंगे तो किस प्रकार की इमेज आएगी, इस प्रकार की आएगी। ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बी इसलिए नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को देखेंगे तो ये एज इट इज इस प्रकार से तो मिल नहीं रहा, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पे डबल लाइन है, इस प्रकार से ये नीचे आएगी नहीं, क्योंकि क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब इसको मोड़ेंगे तो इसके क्या बन जाती है भाई साहब, यानी जब लेफ्ट राइट में मोड़ते हैं तो क्या इसको अनफोल्ड करेंगे तो मेरी इमेज बनेगी, जब इसको इधर खोलेंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, क्या सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग बिना किसी देरी के। अब देखो एक सीट को क्रमशः एक्स वाई जेड में दिखाए गए तरीके से मोड़ा गया है और पंच किया गया है। अब आपको विकल्प से चुनना होगी कि अनफोल्ड होने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो ढंग से तो मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार का एक इमेज है, ये एक ट्राइंगल है, इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, देन ये वाला भी पार्ट फोल्ड किया, यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया और एक फिर से यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया गया, ठीक है, इस प्रकार का इसमें एक कट लगाया गया है। तो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर कीजिए। फटाफट सभी लोग आंसर कर दीजिए, ऑप्शन देख के भी इसका आंसर टिक कर सकते हैं आप बिना किसी देरी के। इतना टाइम नहीं लेना है बाबू भैया, सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन देख के इसका आंसर टिक करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, अब देखो ये तीन ट्रायंगल कहाँ से, मिड में तो हमने कोई कटर लगाया नहीं तो इसलिए गलत हो गया। ये वाला तो एक्स्ट्रा ही जुड़ गया ना इसमें, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे कितने सर्कल, जब इसको फोल्ड करें अनफोल्ड करेंगे तो एक सर्कल यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, तो यानी चार सर्कल होने चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया,
इसमें कितने सर्कल है टोटल, दो ये इसमें देखेंगे चार सर्कल तो, लेकिन यहाँ पे मिड वाला जो यहाँ पे जो ट्राइंगल का कहीं कट लगाया नहीं, जबकि यहाँ पे क्या एक मिड में भी है कि ट्राइंगल है, तो इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे बात करें सी की, तो ऑप्शन सी एज इट इज बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। देखो इस प्रकार से, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इधर आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चार कट हैं, तो यहाँ पे कितने, दो ही ट्रायंगल है, जबकि हमें चाहिए कितने थे, चार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी को? तो क्लियर है तो सभी लोग मुझे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर से जवाब देना है आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीट हैज बीन फोल्डेड इन द मैनर एज शोन एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिव एंड पंचेड, यू हैव टू चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव हाउ इट विल लुक अनफोल्डेड। जब इसको फोल्ड, सीट को क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है, देन पंच किया जाता है, फिर इसको अनफोल्ड किया जाता है, तो अनफोल्ड करने के बाद इसको किस प्रकार की दिखाई देगी, ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। आपको ये पता करना होगा कि सीट को कितनी बार मोड़ा गया है और किस डायरेक्शन में मोड़ा गया है, ठीक है। अगर लेफ्ट राइट से मोड़ा गया है तो उसका लेफ्ट राइट में जो मिरर इमेज बनेगी, अगर अप डाउन से मोड़ा गया है तो उसकी वाटर इमेज बन के आ जाएगी। तो चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो एक पेपर सीट है भाई साहब, एक्स वाई जेड से इसको इस तरह से मोड़ा गया है, ठीक है, इस तरह से मोड़ा गया। अब इसको क्या किया, यहां पे पंच किया गया। देखो ये वाली सीट इस प्रकार की बनी ना, एक इसमें कट लगाया, एक इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला पार्ट था। अब इसमें एक दो पंच कर दिए गए, यही पेपर। अब इसको जब अनफोल्ड करेंगे तो भाई साहब देखो यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे मिड वाला तो कहीं कट है नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या तीन फोल्ड किए गए इसके, तो तीन फोल्ड किए गए तो भाई साहब कितने होने चाहिए हमारे पास में। यहाँ पे देखो इसका फोल्ड किया गया, ये वाला आधा पार्ट था, तो यहाँ पे एक ये इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, फिर दूसरा भी इसका इस प्रकार से एक इसका इमेज निकल के आ जाएगा जब इसको अनफोल्ड करेंगे। तो देखो ऑप्शन अगर बात करें सी के, तो इसमें चार ही है, इसमें कितने, छह, जबकि हमें कितने चाहिए, चार पॉइंट यहाँ पे कट चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देख के भी इसका तुरंत में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्या सभी को क्लियर है, एक बार सभी लोग मुझे थम्स अप करके बता देंगे जी बिल्कुल क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। अब इसमें भी क्या किया गया, एक पेपर सीट ली गई है जिसको एक्स वाई में दिखाए गए तरीके से मोड़ा गया और पंच किया गया। अब आपको विकल्पों में से चुनना होगी अनफोल्ड करने पर कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, तुरंत में इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना दिमाग एग्जाम में हमारे पास इतना तो टाइम होता नहीं कि हम एक पेपर सीट ले उसको पंच करें फिर उसके बाद अनफोल्ड करें। तो ऑप्शन देख के आप तुरंत में टिक कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब अगर अप डाउन में उसको फोल्ड किया गया है तो उसका वाटर इमेज बनेगा, अगर लेफ्ट राइट में खोला गया है तो उसका मिरर इमेज बनेगा, तुरंत में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना होगा पेपर को कितनी बार उसमें फोल्ड किया गया, ठीक है। चलिए तो आंसर कीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखो इसको जब पेपर सीट थी भाई साहब, इसको ये वाली पेपर सीट थी हमारे पास में, क्या था, एक स्क्वायर फॉर्म में एक पेपर सीट थी, ठीक है। ये हमारी एक पेपर सीट है, देन उसको भाई साहब क्या किया, आधा इसको फोल्ड किया गया, ठीक है। ये वाला पार्ट ही हमारे पास में रह गया, यानी इसको क्या किया, इस तरह से फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट रह गया। अब उसके बाद में भी भाई साहब इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया गया, तो हमारे पास में कितना हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा इसका रह गया, यानी ये वाला पार्ट ही इसको इधर कर दिया, तो ये वाला पार्ट निकल के आ गया। अब इन्होंने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे एक ट्राइंगल कट किया और दूसरा इसमें क्या किया, एक इस प्रकार से एक कट कर दिया गया, ठीक है, यही कट है।
अब इसको क्या किया, अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो हमको ये वाला पूरा ट्राइंगल हमको इस प्रकार से एक पेपर शीट निकल के आ जाएगी, ये वाली शीट है, ठीक है। तो अगर इसको अनफोल्ड करेंगे तो एक ट्राइंगल यहाँ बन जाएगा और ये वाला कट यहाँ आ जाएगा और इसमें क्या नीचे आ जाएगा और इसमें नीचे आ जाएगा, और ये वाले जो ट्राइंगल शेप है वो किस प्रकार की आ जाएगी, इस प्रकार की आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार की एक शेप निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो कलर आप इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला जो ट्राइंगल है इधर चला गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ये वाला देखो, यहाँ पे इस प्रकार की पेंटागन इमेज किस प्रकार की बनी है, देखो यहाँ पे बॉक्स नहीं है, वहाँ पे इमेज जो बनी हुई किस प्रकार का कट लगा है, इस प्रकार का कट लगा है। अगर ऑप्शन को देखेंगे तो इस प्रकार का एक इमेज जो मैंने बॉक्स बनाया है वो इस प्रकार के बनेंगे, ठीक है, जो कट बनेंगे वो इस प्रकार के बनेंगे, ये जो कट है वो इस प्रकार के बनेंगे भाई साहब, ये स्क्वायर नहीं है, ये इस प्रकार के कट है, ठीक है। अब आपको बताना कि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखेंगे इसमें तो देखो, इसमें जाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे कट निकल के आ रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल यहाँ पे उल्टा आ रहा है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है तो इसमें स्पेस है, तो इसलिए गलत हो गया ऑप्शन सी। इसमें देखेंगे ऑप्शन डी तो आ ही नहीं रहा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी के वजह से बनेगा। देखो बी में सेम एज इट इज मिल रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल मैंने थोड़ा दूर बना दिया जबकि यहाँ पे क्या है पास बनेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला थोड़ा दूर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, इस प्रकार का इमेज निकल के आएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर बनेगा वो किस कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेम एज इट इज यहाँ पे इसकी इमेज निकल के आएगी, तो हमारा जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक, अगर एक बार सभी को क्लियर है तो सभी लोग थम्स अप करके मुझे बता देंगे जी बिल्कुल क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप जा रहे होंगे तो देखो ये बिल्कुल एज इट इज, यहाँ पे स्पेस तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइन पे कट किया गया है, जबकि यहाँ पे क्या किया है स्पेस दे दिए गए, अगर ये दोनों आपस में जुड़े होते तो आंसर ये बन जाता, ठीक है, इसलिए ये गलत है क्योंकि इसके दोनों के बीच में स्पेस रह गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इमेज किस प्रकार की चाहिए थे, ऑप्शन डी में इस प्रकार की इमेज चाहिए थे, जबकि यहाँ पे क्या बना एक अलग से इमेज बनी हुई है, तो इसलिए गलत हो गया। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। अब देखो एक सीट डायरेक्शन वही है एक्स वाई जेड के दिखाए तरीके से मोड़ा गया फिर कट किया गया, तो आपको बताना है जब अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए कि एक पेपर शीट है उसको एक्स वाई जेड में दिखाए तरीके से मोड़ा गया है, देन उसको पंच किया गया, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की दिखाई देगी ये आपको बताना होगा। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, ऑप्शन देख के आप तुरंत में इसका आंसर कर सकते हैं बिना किसी देरी के। चलिए हम ऑप्शन इसका आंसर करते हैं, देखो ऑप्शन से जाएंगे तो हमारे पास में क्या है भाई साहब, एक सेकंड इसको सीधा बना, ये हमारे पास में देखो एक बार शेप ले लेते हैं यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है, नहीं कलर चेंज कर देते ना, यहाँ पे हमने कलर ले लिया ये वाला, ठीक है। अब हमने ये स्क्वायर है हमारे पास में, ठीक है, उसके बाद क्या किया भाई साहब, इसको क्या किया हमने आधा कर दिया गया, ये आधा कर दिया, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब इसका क्या किया, वन फोर्थ पार्ट हमने ये वाला रख दिया गया, सेम एज इट इज ये वाला पार्ट हमने, अब एक पंच हमने यहाँ लगाया और दूसरा लगाया यहाँ पे, ठीक है, एक तो कॉर्नर पे लगाया और एक, जब इसको अनफोल्ड करेंगे ये वाला पेपर था इसको इस तरह से मोड़ा गया, ऊपर से नीचे मोड़ा गया, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे यानी इस तरह से इसको अनफोल्ड करेंगे देन पास वाला हिस्सा पास रहेगा दूर वाला हिस्सा दूर चला जाएगा।
अप और डाउन में चेंज होगा, बाकी यानी टॉप और बॉटम में चेंज होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा लेफ्ट राइट में, क्योंकि जब इसको ऊपर से नीचे हम इसको चेंज कर रहे तो वाटर इमेज बनेगी। अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, लेफ्ट राइट मूव करेंगे, सॉरी अनफोल्ड करेंगे, जब इसको राइट साइड में इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, यानी पास वाले चीज पास रहेगी और दूर वाला दूर रहेगा। तो ये वाला कट इधर हो जाएगा और एक सर्कल इधर आ जाएगा और एक ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में देखते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन ए में जाएंगे तो यहाँ दोनों एक साथ में बने हुए, इसलिए ये गलत हो गया। अगर ये कॉर्नर इधर पास में होते तो ये इसका आंसर बन जाता, ठीक है। ये इस प्रकार से होते, यहाँ पे नहीं होके और इधर होते पास में तो हमारा आंसर ए बन जाता, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो एक अलग तरीके से पंच बना, यहाँ पे एक सीधी रेखा बनी हुई ट्राइंगल। अगर ऑप्शन को डी को देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे इमेज निकल के आ रही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्लियर दिख रहा होगा, पास वाले यहाँ पे देखो चार एकदम बिल्कुल पास है और चार जो पंच है वो कॉर्नर पे बने हुए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है ना, फिर आगे बढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी लोग मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उम्मीद है आपको क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। अब यहाँ पे भी क्या किया, एक पेपर के टुकड़े को मोड़ा जाता है देन काटा गया, तो आपको बताना कि किस प्रकार का दिखाई देगा जब इसको अनफोल्ड करेंगे। तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, डायरेक्शन सभी की सेम है, आपको बताना है तुरंत में कि जब पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार का दिखाई देगा। तुरंत में आंसर देख के अभी आप टिक कर सकते हैं कि पेपर को अगर अप डाउन में मोड़ा गया तो उसकी वाटर इमेज बनेगी, अगर लेफ्ट राइट में मोड़ा गया तो उसकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई ज्यादा भारी टास्क नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब देखो, पेपर को क्या किया, आधा फोल्ड किया गया, यानी यहाँ पे क्या था हमारे पास में, एक स्क्वायर पेपर है, उसको क्या किया, आधा मोड़ दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद में भी इसका क्या किया, वन फोर्थ पार्ट हमने रख दिया है। अब उसमें देखो एक पंच यहाँ पे क्या लगा, एक स्क्वायर पंच लगाए, देन उसके बाद में एक दो इस प्रकार के यहाँ पे कट लगाए गए, इस प्रकार के भी दो पंच किए गए, ठीक है। ये दोनों पास पास में, ठीक है, थोड़ा दूर बन गया, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको अनफोल्ड करेंगे, यानी अनफोल्ड करेंगे इसी पैटर्न में करेंगे, तो देखो ये वाला तो इससे यहाँ आ जाएगा, ये स्क्वायर, और ये वाला इससे इधर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से अनफोल्ड करेंगे, यानी राइट साइड में अनफोल्ड करेंगे, तो देखो पास वाला इससे पास चला जाएगा, पास में रहेगा, और दूर वाला इससे दूर चला जाएगा, इस प्रकार से इसमें इमेज निकल के आएगी, ठीक है। अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो देखो ऑप्शन ए में करेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, चारों बॉक्स है, जबकि यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बॉक्स नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन बी को देखेंगे तो सेम एज इट इज बन रहा है, देखो एज इट इज यहाँ पे बन रहा है, बट यहाँ पे देख रहे होंगे आप बिल्कुल एकदम दूर दूर, ये वाला इससे है ना, ये वाला देखो यहाँ पे बॉक्स है, और जबकि हमारे पास में क्या है, इस प्रकार की, ये बॉक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार की एक इमेज होनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को देखेंगे तो सी एज इट इज यहाँ पे आंसर बन जाएगा, देखो बिल्कुल सी एज इट इज यहाँ वाला बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पे एकदम एज इट इज है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं हम, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन डी एक जैसा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे बॉक्स की जगह यहाँ पे क्या बना है, इस प्रकार की एक इमेज बनी हुई, तो इसलिए गलत हो गया, ये वाली इमेज है, बॉक्स नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया, क्योंकि डी क्यूज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स ना होके ये वाला शेप इमेज यहाँ पे बना हुआ था, इसलिए गलत हो गया। बी में भी यहाँ पे ये वाली शेप ना होके ये वाले बॉक्स यहाँ पे बना हुआ था, इसलिए गलत हो गया। हमारा का जो करेक्ट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है? फटाफट एक बार सभी लोग मुझे थम्सअप कर देंगे कि जी बिल्कुल क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी लोग थम्सअप करके बता दीजिए कि जी क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर, इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन, यानी कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया जैसा कि नीचे आकृति में दिखाया गया है। तो आपको फटाफट इसका आंसर करना है कि जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार का ये दिखाई देगा। फटाफट सभी लोग आंसर कर दीजिए, ऑप्शन देख के भी आप तुरंत में इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट बिना किसी देरी के, ऑप्शन देख के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। पहले पेपर को क्या किया, आधा फोल्ड किया, किस साइड से, लेफ्ट राइट साइड से, यानी लेफ्ट से राइट में किया, देन अब फिर टॉप से बॉटम में किया। ठीक है, अब आपको इसमें कट किए गए, तीन कट लगाए गए, अब जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर कीजिए फटाफट सभी लोग। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर देखो इसको जब अनफोल्ड करेंगे, यहाँ पे कट लगाया गया, तो आपको सिंपल सा है यहाँ पे करना क्या है, इसको अगर टॉप और बॉटम में करेंगे तो इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। देखो हमारे पास में क्या था, ये एक हिस्सा मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, यानी ये एक बॉक्स है। अब इसमें क्या किया, इसको क्या किया, चार भागों में तो बांटा गया था भाई साहब, पेपर शीट था, इसको चार भागों में। अब ये वाला कट कहाँ लगाया, ये वाला कट लगाया था, देन उसके बाद में एक कट ये लगाया था और एक कट ये लगाया था, ये तीनों कट लगाया गया इसमें। जब इसको अनफोल्ड करेंगे इस साइड में तो भाई साहब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला कट भी कहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये वाला पंच कहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। फिर इसको लेफ्ट साइड में इसको फिर से अनफोल्ड करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा पूरा, ठीक है, और ये वाला पास वाला इधर आ जाएगा और ये वाला कट इधर आ जाएगा, ये वाले दोनों कट इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इमेज निकल के आएगी वो किस प्रकार की निकल के आएगी, इस प्रकार की निकल गई। अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला सर्कल बिल्कुल बन रहा है, ये वाले दोनों भी कट लग रहे, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का बॉक्स नहीं बनेगा, ये जो पूरा कट लगा गया है तो इस प्रकार से एक कट लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार का कोई कट नहीं लगाया, अगर यहाँ पे मिड में यहाँ पे लगाते हम ये वाला कट लगाते तो ये इमेज बन के आ जाती, जबकि हमने कट क्या से किया, पूरा इसको कट किया गया यहाँ से, इसका बॉर्डर से ये वाला पार्ट तो हमने हटा दिया, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे मिड से हमने कोई कट किया ही नहीं, हमने कहाँ किया, कॉर्नर से कट किया, जो भी किस प्रकार से ट्राइंगल शेप में कट किया गया। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पे देखो सर्कल, यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, जहाँ भी यहाँ पे क्या बन रहा है, इस प्रकार की एक इमेज बन रही है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगर ऑप्शन डी को देखते तो एज इट इज यहाँ पे मिल रहा है, देखो ये वाले कट भी मिल रहे हैं बिल्कुल, ये वाला कट, ये वाले दोनों कट आप इधर में मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बन रहे हैं, और ये टॉप और बॉटम वाले जो कट है वो बिल्कुल एज इट इज है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी के जैसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है? एक बार सभी लोग मुझे थम्सअप करके बता देंगे जी बिल्कुल क्लियर है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे सभी लोग, और जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन को टाइम से मिल सके और क्लास वो टाइमली ज्वाइन कर सके। क्या सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगर कोई डाउट रहता आफ्टर लाइव जो भी बंदे इसको क्लास को देखेगा स्टूडेंट, अगर उनको किसी भी प्रकार का डाउट रहता तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है SSC banking easily। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर रीजनिंग का पढ़ रहे हैं तो हम रीजनिंग से कोई रिलेटेड तो रीजनिंग का ही पूछे, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन।
देखो एक पेपर शीट ली गई है, उसको क्या फोल्ड किया गया, देन उसको कट किया गया है। अब आपको बताना है जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट बिना किसी देरी के। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। देखो पेपर को जिस प्रकार से फोल्ड किया गया उसी प्रकार से उसको अनफोल्ड करना है, तो आपको उसका इमेज बनाते रहना है और तुरंत में आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देख के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला हमारे पास में क्या था, एक पेपर शीट थी। अब इसको क्या किया भाई साहब, ये वाला एक पंच लगा, ये चार यही पार्ट था। अब इसमें क्या किया, एक पंच तो ये लगाया और दूसरा पंच कहाँ लगाया गया, ये वाला लगाया गया। तीसरा जो पंच लगाया इसने इस प्रकार से लगाया गया, चौथा पंच इस प्रकार से लगाया। जब इसको देखो इस साइड में अनफोल्ड करेंगे तो ये वाला कट ये लग जाएगा, देखो पूरा पूरा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। फिर इसको दोबारा से इसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा और एक ये वाला पार्ट यहाँ पे भी इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। और एक ये वाला जो इमेज है वो किस प्रकार से, भाई साहब ये कट लग जाएगा और एक ये कट लग जाएगा, ठीक है। ये वाला अप डाउन चला जाएगा और ये वाला भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले जो कॉर्नर के हिस्से वो इस प्रकार से यहाँ पे कट लग जाएगा। अगर आप ऑप्शन को देख रहे हो, यानी ये जो पूरा कट लगाया कहाँ से, भाई साहब पूरा यहाँ से इसकी बाउंड्री से लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसा ना समझे कि इसको, अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो देखो ये जो ट्राइंगल शेप बनी है वो बिल्कुल यहाँ पे ये क्या है, या पूरा कट किया गया, इसको ये वाला पार्ट भी इसका कॉर्नर भी यहाँ पे उड़ाया गया, जबकि यहाँ पे क्या है इसके ये बॉर्डर को रखा गया, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे मैच कर रही है, देखो ये वाला पार्ट है बिल्कुल मिल रहा है सेम, यहाँ पे जो कट लगा है बिल्कुल ये वाला जो कॉर्नर से कट किया गया ये बिल्कुल एज इट इज मिल रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल यहाँ पे जो बना है, देखो ये सारे कट यहाँ पे अलग से ट्राइंगल बने हुए, जबकि इसका ये पूरा हिस्सा यहाँ पे कट किया गया, ठीक है। ये वाला भी पार्ट यहाँ पे कट किया गया, यानी इसको भी कट किया गया, ये अलग से इस प्रकार का देखो इमेज निकल के आएगी, इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी अगर नीचे का हम इसका पार्ट देखें तो, ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन डी तो देखो यहाँ पे इस प्रकार की इमेज बन रही है, जबकि इसमें है ही नहीं, ट्रायंगल शेप में बनी हुई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक, क्या सभी को क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा यहीं से इसके बॉर्डर से इसको कट किया गया है, ठीक है। अगर हम इसका इमेज बनाए देखो पूरी तरह से तो किस प्रकार से बनेगा, देखो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये इसका इमेज, सॉरी यहां से नहीं, ये इसका इमेज इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। एक इस प्रकार का इमेज बन रहा है जो बन रहा है किसमें, और ये जो मिड वाली थी वो इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार की इमेज निकल के आएगी। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में, और मुझे बताएंगे आज हमने 18 क्वेश्चन किए, आज टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए, भाई साहब यहाँ पे 18 क्वेश्चन किए। तो आपको बताना है कि 18 में से आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपके कितने बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। जो भी लोग नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिल सके और क्लास टाइमली ज्वाइन कर सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।